खासकर आज के दौर में देखता हूँ उलमा के खिलाफ, उलमा के पीठ पीछे। अस्तग़फिरुल्लाह, उलमा के खिलाफ बात ना किया करो पीठ पीछे। स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज को कह रहा हूँ, दीनी हलके के लोगों को बोल रहा हूँ। कितने लोग हैं आपस में बातें करते हैं, गीबत, फंस जाओगे क़यामत के दिन, कुछ काम नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला सूरह काफ में जिन लोगों के हवाले से कहता है अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, कि वो समझते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब क़यामत के दिन जाएंगे तो उनको कुछ हासिल ना होगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ गए हबाम मंसूरा, सारे के सारे अमाल को उड़ा दिया गया हवा में, कुछ ना बचा। अल्लाह मेरे अमाल कहाँ गए, मेरी नेकियाँ कहाँ गईं, गीबत में सारी उड़ गई, सारे तुम्हारे नेक अमाल दावत के काम सब ज़ाया हो गए भाई। क्यों ज़ाया हो गए? बड़ी गीबतें करता था, जबान बड़ी चलती थी। तो इंसान की ज़िंदगी में कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो सारे अमाल को ज़ाया कर देते हैं, गीबत उनमें से है। इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को तौफीक दे कि इस ज़बान को जो है वो अपनी कंट्रोल में रखे, और ये ज़बान अगर बेलगाम हो, जो चाहे बोले, गालियाँ हों, गीबतें हों, चुगलियाँ हों, नमीमा हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला हमारी ज़बान को अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर ले, अपने मैसेज के लिए इस्तेमाल कर ले, अल्लाह ताला हमारी ज़बान को अपनी रज़ा के लिए इस्तेमाल कर ले और हमारे जन्नत में जाने का सबब बना दे।